टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के पार्ट टू के बारे में। इसमें हम फ्रिक्शन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में मदद करेगा यूनिफॉर्म पाने में। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहता है CDS, NDA, FCAT, INET एंड टेरिटोरियल आर्मी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ खाना, मतलब किसी दोनों चीज़ों को रब करना। तो दोनों चीज़ों को रब आप करते हैं तो फ्रिक्शन होता है वहाँ पर, तभी वो रगड़ हो रही है। अगर अगर उस वो रगड़ नहीं हो रही है तो फिसल जाएगी, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। मतलब अगर कोई चीज़ रगड़ ज़्यादा हो रही है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, अगर उसमें रगड़ कम हो रही है और फिसल रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कम है। तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है सरफेस की रफनेस। ठीक, मोटी मोटी आम भाषा में समझा, अभी टेक्निकल नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन पे। देखिए मास, मान लीजिए कोई वेट है, मान लीजिए 100 kg का है और आप 40 kg के हैं। आप 100 किलो की चीज़ को 40 kg का इंसान नहीं धक्का मार पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है वो मास। ठीक, जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट को हिलाना मुश्किल ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगली है ग्रेविटी। देखिए अगर मान लीजिए यही बॉक्स चांद पे होता, ठीक है, अभी तो यहाँ पर ग्रेविटी होती है 9.8 meters per second। ठीक है, अगर यही बॉक्स मून पे होता तो यहाँ पर इसकी 1/3 ग्रेविटेशन फोर्स लगी होती, जिसकी वजह से क्या होता कि इस बॉक्स को हिलाना बहुत आसान हो जाता। ठीक, दूसरी बात ये मटेरियल। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी फर्श पे चल रहे हो, ठीक है, जो भी नया नया पॉलिश हो रखा है, तो उस पर आपका पैर फिसलता है। रीजन, क्योंकि वहाँ पर स्मूथनेस बहुत होती है सरफेस पे। अगर यहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट को हिलाना आगे बहुत आसान होता है। तीसरा है स्लोप। देखिए आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर स्लोप पे रखी होती है तो वो बहुत आराम से नीचे आ जाती है। ठीक है, या तो लुढ़कते लुढ़कते आ जाएगी या सीधे आ जाएगी। ठीक, अच्छा स्लोप किस पे डिपेंड होता है, वो डिग्री और रेडियन पे डिपेंड होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थीटा जो यहाँ पर एंगल बनता है उस पे डिपेंडेंट होता है। चलिए हम आगे चलते हैं फटाफट। अब हम पहले बात करते हैं फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता क्या है। फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं क्या स्मॉल एफ से। और देखिए जो जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो इसके फॉर्मूले में, देखिए सबसे पहले है म्यू, ये है मटेरियल, इनटू मास, इनटू ग्रेविटी, इनटू स्लोप, स्लोप का जो एंगल होता है वो। ठीक है, अब यही फॉर्मूला है म्यू एम जी एम येरा जी कॉस थीटा इजिकल्स टू एफ। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ रिपोज मैंने अभी आपको बताया था कोई चीज़ अगर ढलान पे है तो फिसलती है, पर वो कब फिसलती है इसका भी तो कोई लॉजिक होगा। फॉर एग्जांपल ये एंगल फाई है, ठीक है, अभी एंगल फाई मान लो कम है तो ये चीज़ ऑलमोस्ट फ्लैट होगी तो ये नहीं गिरेगी। फिर थोड़ा इसका ऊपर कर दो तब नहीं गिरी, फिर थोड़ा और ऊपर कर दो तब भी नहीं गिरी, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नीचे फिसलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट वो एंगल पे फिसलनी स्टार्ट हो जाएगी उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है मतलब देखिए फ्रिक्शन होनी स्टार्ट हो गई ना, फ्रिक्शन क्या हुआ जब रगड़ होनी स्टार्ट होती है। अगर मान लो स्टेबल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो रगड़ नहीं हो रही, तो जब वो रगड़ होनी स्टार्ट हो रही है तब तो वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता देता है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिपोज के। ये आपके CDS का कन्फर्म क्वेश्चन होता है फ्रिक्शन से अगर आता है तो, कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस बात को आप याद रख लें। और ये बात कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बात क्या था, मटेरियल, मास, ग्रेविटी, स्लोप, इन चारों चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन के टाइप क्या है, मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी है। फ्रिक्शन के टाइप क्या है, फ्रिक्शन के टाइप देखिए पहला है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप समझ गए होंगे क्योंकि बॉक्स है, ठीक है, उसको आप धक्का मार रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का काम करता है। और रोलिंग मोशन में रोल हो रही होती है बॉडी और उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ कॉन्टैक्ट में है, एक लाइन जो है सिंपल फॉर्म में वो कॉन्टैक्ट में है, बाकी पूरी बॉडी जैसे जैसे रोल होती जाएगी वैसे वैसे आगे जाएगी। ये है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कार, कार का रोलिंग फ्रिक्शन होता है, या बुलक कार, कोई भी चीज़ जिसमें पहिया लगा हो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होता है चार चीज़ से। पहला है पॉलिश, लुब्रिकेशन, मटेरियल, बॉल बेयरिंग। पॉलिश आपने देखा होगा जब नया नया फर्श बनता है, मैं फिर से वो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नया नया फर्श बहुत पॉलिश किया जाता है, चमकाया जाता है,
तो जैसे ही आप उस पर कदम रखते हैं आपका पैर फिसल जाता है, तो हो गई पॉलिश। लुब्रिकेशन, अगर मान लो आपके मतलब बाथरूम में किसी ने सोप गिर दिया है और मतलब अभी जस्ट नहाकर आया, तो थोड़ी वहां पर फिसलन होती है क्योंकि वहां पर लुब्रिकेशन हो रखा होता है साबुन का। ठीक है, लुब्रिकेशन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन कम कर दे। ठीक है, तो वहां पर हो गया लुब्रिकेंट, सोप का काम कर रहा है तो वहां पर लुब्रिकेशन। तीसरा है मटीरियल। मटीरियल अब देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल केला है, जमीन पे केला पड़ा हुआ है, तो वो एक मटेरियल है, उसकी सरफेस एक मटेरियल है, उसकी सरफेस कैसी है, चिकनी। तो उसकी सरफेस जो है मटेरियल चिकनी है, तो उस पर कोई भी चीज़ पड़ेगी तो फिसल जाएगा, वो हो गया मटेरियल पे डिपेंडेंट। एंड लास्ट है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है, साइकिल की दुकान पे गए होंगे, जब वो अपने साइकिल के पीछे का पहिया खोलता है तो उसमें से कुछ बॉल्स निकलती हैं, छोटी 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 छोटी। ठीक है, वो जो उस पहियों को घुमाने में मदद करती हैं उसे कहते हैं बॉल बेयरिंग। और एग्जाम्पल देखें बॉल बेयरिंग का, तो बॉल बेयरिंग के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आपने कोई गियर मोटर देखी है तो वहां पर बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। बॉल बेयरिंग कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे आपके फैन में भी इस्तेमाल होती है बॉल बेयरिंग, है ना। इन चीज़ों का बॉल बेयरिंग का और एग्जाम्पल आई थिंक आप समझ गए होंगे बॉल बेयरिंग से क्या मतलब है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ाने का रीजन क्या है कि ये जो चीज़ें हैं यही पूछा जाता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन किन किन चीज़ों हो सकता है। वो आपको मतलब ऐसे दे देगा कि पॉलिश सरफेस, लुब्रिकेशन, सॉइल और बॉल बेयरिंग, तो इनमें से किससे रिड्यूस फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा सॉइल। ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉलिश, लुब्रिकेशन, सॉइल एंड बॉल बेयरिंग, किससे फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा, तो होगा सॉइल। ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। और आगे मैं आपसे बात करता हूँ, ये पूछेगा कि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में लगता है। सबसे ज़्यादा लगता है फ्रिक्शन स्टैटिक में। स्टैटिक में फ्रिक्शन कैसे लगता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है 100 किलो की, मैंने बताया। ठीक है, अब आप 40 किलो के हो, आप धक्का मार रहे हो, नहीं चल रहा, तो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब हुआ, जब वो हिल ही नहीं रहा, आप ताकत लगा रहे हो फिर भी हिल नहीं रहा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब हुआ, स्टैटिक में। काइनेटिक में क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है, या मैं कहूँ सिलेंडर, सिलेंडर आपको हिलाना है, अगर औरतें हिलाती हैं तो वो उठा नहीं पाती, ठीक है, तो वो घसीटती हैं उसे, तो जब वो हिलता है ना, हिलने के बाद ना उसमें फोर्स कम लगानी पड़ती है और हिलने से पहले ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब वो चीज़ घिसट रही हो। ठीक है, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे पहिया, आपने देखा होगा कि जब आप अपनी गाड़ी को धक्का मारते हो तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगती। ठीक, और लास्ट है लिक्विड। लिक्विड में फ्रिक्शन सबसे कम कैसे होता है, जैसे पानी में आपने अपना हाथ घुमाया हो तो आपका हाथ आराम से घूम जाएगा, अब वही हाथ आप रेत में डालो और फिर घुमाने की कोशिश करो, उसके अंदर आपका हाथ नहीं घूमेगा, आपका हाथ अटक जाएगा। तो लिक्विड में फ्रिक्शन रोलिंग से भी कम हुआ। और लास्ट है गैस। हवा में अपना हाथ घुमा के देख लो, कोई ऑब्स्टिकल महसूस हो रहा है, नहीं, तो सबसे कम फ्रिक्शन हुआ गैस में। ये क्वेश्चन आता है सीडीएस का, तय क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, अगर फ्रिक्शन से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो। अब ये देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के एक ना, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, डायनेमिक या काइनेटिक एक ही बात है, मैंने आपको जैसे बताया। अब मैं थोड़ा एलैबोरेट करके बताता हूँ ग्राफ से। यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने धक्का मारा, तो आप 40 किलो के हैं, ये 100 किलो का है अगेन, तो जब आप इसे धक्का मारेंगे तो ये हिलेगा नहीं, तो आप और ताकत लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे, एक टाइम आएगा इतनी ताकत लगाएंगे कि आप में 100 kg की ताकत आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो आप जाने, पर आप कैसे भी ताकत लगाएंगे उसमें, या तो अपने दोस्त को बुलाएंगे, भाई तू भी आ जा, मैं भी आ जाऊं, ठीक है, तो आप फोर्स और लगाएंगे, तो धीरे 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 देखो फोर्स बढ़ेगी, यहाँ पर फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आपकी फोर्स 100 kg के बराबर आ जाएगी, जितना 100 kg में आपका मास है, मतलब 100 kg × 9.8 मतलब मास इंटू mg, मतलब mg के बराबर आपकी फोर्स आ जाएगी, तभी हिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हिलेगा तो आपको महसूस होता होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं एकदम से हल्का महसूस होने लगता है, और वो ऑब्जेक्ट की जो फोर्स आप लगा रहे हैं एकदम से कम हो जाएगी, और फिर आपकी एक स्टेडी फोर्स लगेगी उसे सिर्फ आगे मूव करने में। ठीक है, वो हो गई डायनेमिक या काइनेटिक। ठीक, ये हो गई स्टैटिक, जब ऑब्जेक्ट हिल नहीं रही है, काइनेटिक तब हो गई जब ऑब्जेक्ट हिलने लग गई। आम शब्दों में बोला स्टैटिक में फोर्स ज्यादा लग रही होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीनियर ग्राफ होता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट हिलनी शुरू हो जाती है तो वो कांस्टेंट हो जाती है, फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, और ये होता है काइनेटिक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो फॉर्मूला है जो फ्रिक्शन है वो क्या है, फ्रिक्शन के टाइप क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं ये याद रखने हैं आपको, इसका फॉर्मूला ये है म्यू एम जी कॉस थीटा,
इससे अगर आप याद रखेंगे तो आपको फैक्टर ऑफ हीटिंग फ्रिक्शन भी याद रहेंगे। दूसरी बात, हमने बात की एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज की इंपॉर्टेंस क्या है, और एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन के इक्वल होता है। हमने अभी बात की थी ना, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होते हैं। दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग मोशन, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैं गलत बोल गया, वो तो मोशन का नाम हो गया। ठीक, और अगला है, और फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होता है वो इस बारे में है। ठीक है, और फ्रिक्शन की डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है वो ये सीक्वेंस हो गई। और लास्ट में फ्रिक्शन और फोर्स का ग्राफ क्या आता है। देखिए ये ग्राफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपसे इतना पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में कहा, काइनेटिक, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होती है तब फ्रिक्शन ज्यादा होती है, या स्टैटिक फ्रिक्शन जब होती है तब ज्यादा होती है। एक बात और आपसे एग्जाम में 110% पूछी जाती है, कि अगर आप बात करें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या फोर्स के अपोजिट में होती है। हाँ यही बात सही है, और ये आपको याद रखनी है, पुशिंग फोर्स और मोशन की डायरेक्शन एक होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स और मोशन की अलग होगी। ये आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट्स को और डीप में जानना हो या और क्लियरिटी चाहिए या एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे सारे लिंक जहां पर मैं हूँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड अनअकैडमी जिसको मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। जितनी जल्दी फॉलो आप मुझे करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं वहां पर और फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगा। अभी भी अपलोड कर रखा है, 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है वहां पर। इसके साथ ये कुछ हमारे एजुकेटर हैं वहां पर जहां मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ, उनका नाम है अभिषेक पांडे, संजय कुमार और पल्लवी ओझा, और ये दाढ़ी वाले जाना आपको तो आप जानते ही हो। ये सब अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में? डिफेंस एग्जाम्स के बारे में, जैसे SSB, CDS, कांगे CDS, यहां से CDS, NDA, FCAT, सभी एग्जाम्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि मान लो आपको, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, पल्लवी ओझा का पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं आया तो आप अभिषेक पांडे से भी पढ़ सकते हैं, संजय कुमार से भी पढ़ सकते हैं, अर्पित चौधरी जी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्पित चौधरी पसंद नहीं आया तो किसी और से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ फी में, मतलब ऐसा ही है, 500,000 रुपीज है, आप वो दे दो और आप किसी भी पढ़ लो, अनलिमिटेड, कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको एक भी पैसा बेकार नहीं जाएगा। ऐसा है आपका एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिसका पसंद ना उसको छोड़ो, अगले वाले से वो टॉपिक समझ लो। तो ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है, और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आप उनसे लाइव चैट कर सकते हो, अपने कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, unacademy.com/plus, डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई दोस्त से कमेंट हुआ हो तो उसके बारे में बताइए। प्रज्ञांशु, राधिका और मयंक की तरह मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर करो, और बहुत ही ज्यादा पसंद है तो खाने पर बुलाना मत भूलना। और मेरे लिए कोई मैसेज हो @वाशने करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, एंड श्योरली आई विल रिप्लाई ऑन इट। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।